अरे बंसल बाबू तो पगला गए। क्या हो गया यार, एकदम से रायता फैल गया। उस लड़की की किस्मत अच्छी थी, खुद तो निकल ली, हमारा बेटा रह गया। किस्मत नहीं करम, खूब मेहनत की थी उस लड़की ने और पढ़ाया हमने दोनों को था। किसी किसी में होती है वो बात। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, लोग क्या कहेंगे कि डीएम साहब का खुद का बेटा ही रह गया? तो कह दीजिए ना सबसे कि नाकारा निकली आपकी औलाद। हाँ? कर दीजिए अनाउंस। वैसे भी तमाशा तो बनी चुका है सबके सामने। शुभ, अपने शागिर्द की तारीफ करते करते एक अच्छे पिता होने का फर्ज मत भूल जाना। हमने हमेशा आपकी हर एक बात सुनी है। फर्ज, ड्यूटी, देश, हमारे इकलौते बेटे का सर आज झुक गया है, उसे संभालिएगा, ना कि पराई बेटियों के ढोल बजाइएगा। सपना हमारा भी टूटा है, सर हमारा भी झुका है। दिल्ली से फोन आया था, हमें कुछ देर में निकलना है। शंभू से कहकर हमारा सामान पैक करवा दीजिएगा। खुश हो लो राजीव बाबू, तुम्हारी बिटिया निकल गई। देखिए शैतान, कभी कभी लगता है हमने अपने सपनों का बोझ तुझ पर डाल दिया बेटा, अच्छा नहीं किया। अब ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी आपने वही किया जो देश के हर पापा को करना चाहिए। ये आप ही की तो सीख है कि हम कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं। और शुभ के सामने झुकेगी? क्या बोल रहे? अरे सब पता है मैं क्या बोल कर गया, वो सब सुन लिया था राजू ने। मैं बीच में बात मत कर। हाँ तो खुद बताओ ना पापा को क्या बोल कर गए हैं वो। हाँ, अरे आईएएस की सीट छोड़ने का क्या कर गए हैं क्या? हाँ मतलब आज तुम्हारा आईएएस क्लियर हुआ ना, हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। अरे मम्मी पापा को नाचते हुए पहली बार देखे हैं हम, कितने सालों बाद हमारे घर में इतनी खुशी आई है। तू ये सब छोड़ने को तैयार है ना उस फेलियर शुभ के लिए? ये सब शुभ ने कहा? क्या कर गए हैं, या तो सीट रखो या शादी। तुमको समझ नहीं आ रहा, तुमको बोला है चुप होने को, तुम चुप क्यों नहीं हो रहे हो? ये बड़ी ना कोई बात थी नहीं जितना तुम बना रहे हो। सिर्फ इतना सी बात है, शुभ गुस्से में था क्योंकि ऑफ कोर्स उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो अपसेट था उस बात को लेकर। और साढ़े तेरे मुंह में जब उसने जो आया उसने वो बोल दिया। पर आप जानते हैं कि शुभ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और एक बार उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा ना तो वो फिर।
बस इसीलिए, सिर्फ इसीलिए हम कुछ भी नहीं बोल रहे थे कि हम फालतू में क्यों मम्मी पापा को टेंशन दें, पर नहीं, अरे हम कह रहे हैं कि हम एक बार उसे बात करेंगे, उसे समझाएंगे। अरे तुम क्या, हम समझाएंगे उसे? अभी अपना बैट निकालते हैं और चल। चली तेरी, इधर आ। अरे क्या कहा काव्या ने? क्या कहा उसने? कहा ना परेशानी में था इसलिए कह दिया होगा। शुभ इस घर का दामाद है बेटा, फेल हो गया तो क्या हुआ है? 20 साल से इस घर में आता जाता रहा है, तो क्या इतनी सी बात के लिए हम रिश्ता तोड़ देंगे? पर इस तरह की शर्त रखना क्या ये बेहूदगी नहीं है अंजलि? शर्त नहीं रखी होगी, बस यूं कह दिया होगा साथ में आईएएस करेंगे। तो क्या काव्या अपनी सीट छोड़ दे? देखिए पूरे समाज के सामने उसने मंगनी की है हमारी काव्या से, जब ठंडा हो जाएगा तो सब ठीक। सब ठीक हो जाएगा ना काव्या? हमने कहा ना हम बात करेंगे उससे, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक और हो तुम जाएगा। तुम आओ जरा हमारे साथ, आ जाओ। शुभम तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि अगर अगर इतने सारे सपनों में से एक सपना अधूरा रह गया, उसमें कुछ गलत नहीं है। तुम सुनो तो एक बार, प्लीज प्लीज। शुभ तुम चाहो तो आगे पढ़ सकते हो, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो, तुम अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, और हम हैं ना तुम्हारे साथ हर कदम पर तुम्हारे सपनों को रंगने के लिए। और शुभ तुम देखना कि ये 2 साल ना अकेडमी कैसे छुटकी में बीत जाएंगे। तुम से मिलने आते रहना, हम रोज वीडियो कॉल पे लंच करेंगे साथ में, बहुत सारी बातें करेंगे, हमने जितने सपने देखे थे ना शुभ वो सारे सपने पूरे करेंगे। बस बस थोड़ा सा एंगल बदल जाएगा। घुटनों में दर्द हो जाएगा, उठ जाओ। लगी तो नहीं? जवाब तो अब इतनी प्यार से पूछोगी तो नहीं हो पाएगा हमसे। पर क्यों? बचपन से देखते आ रहे हैं पापा और मम्मी हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, दुनिया के सामने मम्मी ने हमेशा एक कदम पीछे ही रखा है, क्योंकि पापा एक बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, सारी इंपॉर्टेंस हमेशा उन्हीं को मिलती आई है, और हमारी मम्मी हमेशा से मिसेस जयदीप कहलाती आई है। काव्या, हम मिस्टर आईएएस काव्या बंसल नहीं बन सकते, हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं, तुम्हारे पीछे नहीं। सॉरी अगर तुम्हें हमारी ये सारी बातें दखियानूसी लग रही हो तो। यार हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा हमसे। पर शुभ तुम भी याद रखो, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.